Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates. डायरेक्टर से पूछे हम बहुत बहुत खुश हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बेहतर किया है फिल्म ने. एंड आई थिंक मोर देन यू नो इवन एंड पीपल से कि बॉक्स ऑफिस में इतना अच्छा क्या. फॉर मी इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स, बट मुझे लगता है कि इतने नंबर्स का ये मतलब कि इतने सारे लोगों ने पिक्चर देखी और हम लोगों ने इतना स्ट्रगल किया फिल्म को रिलीज़ करने के लिए. तो आई थिंक फॉर सो मेनी पीपल इन इंडिया टू वॉच द फिल्म, आई पर्सनली फील वेरी विंडिकेटेड. एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग बिकॉज ऑल्सो यू नो इट्स बिन सो लॉन्ग, इट्स टेकन अस सो लॉन्ग टू एक्चुअली गेट द फिल्म आउट. एंड आई थिंक द फैंटास्टिक थिंग इज दैट द फिल्म इज़ अवेलेबल ऑन अमेजॉन प्राइम वीडियो in India, so anybody who's missed it in the theaters can watch it there. Yeah, we just like advertise. Why not? Absolutely. ये बोलना चाहूँगी कि ये जो कंट्रोवर्सी थी जो क्योंकि जो डिसीजन सेंसर बोर्ड ने लिया था वो एक बिल्कुल गलत डिसीजन था. वो औरतों की आवाज़ों को बंद करने के तौर पे उस तरीके का डिसीजन था. और अच्छी बात ये है कि ट्राइब्यूनल ने ये डिसीजन रिवर्स कर दिया जिसकी वजह से फिल्म रिलीज़ हुई. पर डेफिनेटली उस वजह से हम सब में बहुत अवेयरनेस आ गई कि अगर हम रियली ये चाहते हैं कि औरतें भी उतनी आज़ाद हों जितने मर्द हैं अपनी कहानियाँ सुनाने के लिए, अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करने के लिए, उनकी वॉइसेस अगर उतनी इम्पॉर्टेंट है तो हमें उस इक्वालिटी के लिए लड़ना पड़ेगा. वो अपने आप से कोई हमें गिफ्ट करके नहीं दे रहा है दैट यू आर फ्री टू यू नो टेल वॉट एवर मेक वॉट एवर फिल्म यू वॉन्ट. सो आई थिंक जेंडर इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दोनों एस्पेक्ट से मुझे लगा कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिपस्टिक अंडर माय बुरखा ने की लड़ाई जो थी वो हम लोगों ने जीती. और आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ जो हुई है वो ये है कि वी फेल्ट दैट वी वर नॉट फाइटिंग इन वेन बिकॉज सो मेनी पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री रियली मेड द एफर्ट टू कम एंड वॉच योर फिल्म. नॉर्मली स्मॉल इंडी फिल्म्स को कभी इस तरीके का ऑडियंस नहीं मिलता है. और मुझे ये लगता है ये बहुत एक रे ऑफ होप है इंडी सिनेमा के लिए, लेडी ओरिएंटेड फिल्म्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि देश बदल रहा है, देश के लोगों का के विचार बदल रहे हैं और आई थिंक वी आर गेटिंग रेडी टू एम्ब्रेस अ न्यू काइंड ऑफ सिनेमा. बहुत अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली अच्छा लगता है क्योंकि जब आप इनफैक्ट मैं तो शूट में थी और मुझे लगा कि मैं आ नहीं पाऊंगी तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था. तो मैं अपने ऊबर ड्राइवर को बोल रही थी प्लीज़ गाड़ी जल्दी चलाओ तो बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स. और मुझे हमेशा इस मुझे इस फिल्म पे जब भी कोई इंटरेक्शन हुआ है मैं कुछ नया ही सुनती हूँ. आज भी मैंने देखी कोई नई बातें सुनी हमारे साउंड डिपार्टमेंट से, हमारे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से और हमारे सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेंट से, क्योंकि हम लोग अपने तो व्यू पॉइंट्स शेयर करते ही रहते हैं लेकिन उन लोगों ने इस फिल्म को किस नज़रिए से देखा आज मैंने उस बारे में सुना. क्योंकि ज़्यादातर जब हम लोग की फिल्म के प्रमोशंस हुए हैं या इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें उस दौरान हम लोगों ने ज़्यादातर महिलाओं ने एक मंच शेयर किया है और उस मंच पर ज़्यादातर बातें महिलाओं को या महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हुई हैं. लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमारे जो टेक्नीशियंस थे जब उन्होंने इस फिल्म पे काम किया तो उन्होंने इस फिल्म को किस नज़रिए से देखा, एक औरत के नज़रिए से देखा, एक मर्द के नज़रिए से देखा, तो मुझे वो नहीं पता था. तो आज जब इतनी सारी बातें निकली और बातों बातों में ये पता चला कि साउंड ने कैसे काम किया है इस पर, कॉस्ट्यूम ने कैसे काम किया है और सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेंट में अक्षय ने कैसे काम किया है, तो वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा. तो आई डोंट थिंक कि मैं कभी वो मौका खोना चाहती हूँ. और ऑफकोर्स स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने में और भी अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारे फ्यूचर फिल्म मेकर्स हैं और इनको डरने का कोई हक नहीं है. इन लोगों को
खुलकर पूरी आज़ादी होनी चाहिए अपनी फिल्म्स बनाने की और अपनी कहानियाँ सुनाने की. जिस तरह अलंकृता ने इतनी फियरलेसली एक अच्छी फिल्म बनाई है, उनको इस बात से अपने आप को रोकना नहीं चाहिए कि ये फिल्म चलेगी नहीं. उनको बहुत खुल के अपनी कहानियाँ लिखनी चाहिए एंड कैरेक्टर्स जो बनाने चाहिए उनको एक सर्फेस पे नहीं बनाने चाहिए. लाइक उनको दे शुड डेल्व इनटू द कैरेक्टर्स एंड आई थिंक द स्टूडेंट्स मस्ट हैव रियली टेकन समथिंग बैक टुडे. मैम, आपसे पूछना चाहूँगी, इंडिया की ऐसी जगह जिसमें अगर टीवी पे भी फैमिली पूरी बैठी हो और टीवी कुछ ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी सीन आ जाता है तो चैनल चेंज कर दिया जाता है, तो इस तरह की मूवी इंडिया में रिलीज करने के टाइम पे तो आपके दिमाग में क्या स्ट्रेटेजी आएगी और आप इस चीज़ को कैसे रिव्यू लेंगे? जैसे कि अभी भी कुछ एक हद तक इंडियन पॉपुलेशन ऐसी जो अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बात है कि मुझे हमेशा लगा था कि इंडिया के लिए, नॉट नेसेसरी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के लिए ये फिल्म एडल्ट कैटेगरी में ही सर्टिफाई होगी. तो जब हम लोगों ने अप्लाई भी किया था हम काफ़ी क्लियर थे कि ये एडल्ट फिल्म होगी. एडल्ट सर्टिफिकेशन जब फिल्म को मिलता है तो इंडिया में टेलीविजन चैनल्स पे वो फिल्म नहीं चलती है, आपको नया कट लेना पड़ता है, करना पड़ता है यूए के लिए. तो ये तो क्लियर था मेरे माइंड में कि दूसरे कंट्रीज में शायद ये 12+ या 14+ या 15+ हो, पर इंडिया में आई न्यूज़ कुंडी एन एडल्ट फिल्म. तो मैंने उस तरीके से सोचा नहीं कि वॉट आर फैमिलीज गोइंग टू डू वेन दे वॉच इट टुगेदर. मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है अगर फैमिलीज ये फिल्म एक साथ देखें. काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है इंडियन सोसाइटी कन्फ्रंट नहीं करती और हम बहुत इनहिबिटेड हो जाते हैं. हम ओपनली सेक्स के बारे में बात नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में बात नहीं करते, और ये बहुत लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है और इतना डिसकम्फर्ट होता है. तो पर फ्रैंकली स्पीकिंग वो सारी बाद की बातें हैं. इनिशियली आई वाज नॉट रियली थिंकिंग एट ऑल अबाउट दिस, और मुझे ये भी नहीं कभी लगा था कि ये कुछ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है. इस फिल्म में बहुत छोटी सी फिल्म थी और मुझे बस लगा कि शायद होगा जब हम सेंसर बोर्ड में जाएंगे कुछ दो चार कट्स वो लोग शायद मांगेंगे, वो फिर मैं अग्री करूँगी नहीं करूँगी. तो उस लेवल पे मुझे लगा था कि कुछ होगा, बट आई वॉजन एक्सपेक्टिंग देयर टू बी एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी. एंड एज फार एज पीपल नॉट एक्सेप्टिंग द फिल्म, आई थिंक पीपल आर रियली एक्सेप्टिंग द फिल्म. एंड आई फील इवन इफ पीपल द फैक्ट कि अगर उनको लगता है कि उनको इतनी बात करनी चाहिए इस फिल्म के बारे में, कहीं में कोई चीज़ उनको चुभी है. वो अच्छी तरीके से, मतलब वो इट्स मेकिंग दम फील गुड, इट्स मेकिंग दम फील अनकम्फर्टेबल, इट्स मेकिंग दम वॉन्ट टू डिस्कस थिंग. आई फील द पर्पज ऑफ एन आर्टिस्ट इज टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन इन सोसाइटी एंड गेट पीपल थिंकिंग. एंड आई फील आर्ट रियली सर्व्स दैट पर्पज, बिकॉज आई डोंट थिंक आर्ट कैन ऑन इट्स ओन चेंज एनी थिंग, बट इट स्टार्ट्स अ न्यू कॉन्वर्सेशन. इट पीपल गो होम विद डिफरेंट थाट्स एंड दे वैन दे डिबेटिंग थिंग्स. आई फील इट्स अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि मुझे वैसे ही लगा फिल्म के रिलीज होने के पहले ही जो कॉन्वर्सेशंस फिल्म के वजह से स्टार्ट हुए वो एक्चुअली देखा जाए तो 70 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में वो कॉन्वर्सेशंस हुए ही नहीं थे कि कैसे स्टोरी टेलिंग जो है वो मेल नज़रिए से कंट्रोल्ड है और कैसे औरतों की कहानियों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कितना कम देखते हैं. Women and sexuality, so many conversations started because of sense of controversy, and I feel once the film was released also there has been so much conversation, so much debate. So I think for a democracy, a healthy democracy, it's very very and a healthy society, it's very important to have conversations, debates, questions. And I must say, as a filmmaker, I am not so concerned that, of course, you always want that everyone should love your film, but I feel the fact that your film has touched people in some way, it's just irking them, even if they're unhappy with it, the fact that it's making them think about things and question themselves, question society or have arguments, I think is a fantastic thing for an artist. So, ma'am, do you think that it will give some impact on the Indian population? I'm not so sure about the direct impact, but I feel in terms of conversations, debates, discussions, it's already had a huge impact, whether it's the media or it's the social media. एक्चुअली मेरे जो पर्सनल लाइफ में कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है मेरे साथ,
क्योंकि मैं जहाँ से हूँ और मेरे जो फैमिली है वो बहुत ही लिबरल है, और कभी भी मुझे ऐसा नहीं कहा गया कि तुम ये नहीं कर सकती हो या वो नहीं कर सकती हो। लेकिन ऐसा हमेशा होता है कि कई चीज़ें हम खुद ही नहीं करते, क्योंकि हमें हम अपने आप सीख लेते हैं सोसाइटी से कि अच्छा ये मैं तो लड़की हूँ तो मुझे तो ये ऐसे ही करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए, तो हम अपने आप इंटरनली हम अपने आप से करने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली जब मैंने रेहाना के कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया तभी स्लोली स्लोली मुझे रियलाइज़ हुई बहुत सारी बातें कि आई रियलाइज दैट आई एम नॉट एज फ्री एज आई हैड थॉट आई एम, क्योंकि इवन दो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इंटरनली तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ओके मैम, जैसे आज भी माना जाता है कि हमेशा लड़कियों को ये कहा जाता है कि पढ़ लिख कर क्या करोगी, तुम्हें चूल्हा चौका ही करना, तो उससे आपको क्या रिव्यू तीनों से पूछोगे? नहीं, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। लाइक कि एक नॉर्मली बचपन से सिखा बोला जाता है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी स्टडीज एंड ऑल, आपने भी वन गेट मैरिड, मैरिड के बाद तुम्हारी ये सब स्टडीज का काम, तो उस पर आप क्या मैसेज देना चाहिए? आप तो देख ही सकते हैं हम तीनों पढ़ लिख कर अपने अपने काम कर ही रहे हैं और आप भी अपना काम कर ही रही हैं, तो वो नज़रिए की बात है। मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में कोई ऐसा सोचता है, या बहुत कम लोग मुझे लगता है ऐसे सोचते हैं, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर कि लड़कियों पे बहुत ध्यान दिया जाता है आजकल के घरों में, और लड़की को पढ़ लिख कर बाहर देशों में भेजा जाता है। मेरे घर में बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो पढ़ लिख कर बाहर बाहर दूसरी कंट्रीज़ में जा रही हैं, वहाँ पढ़ रही हैं, उन लोगों को पूरी छूट मिली है कि वो अपने करियर डिसाइड कर सके। आज मैं एक्टर हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे एक खुली छूट। आज अलंकृता एक डायरेक्टर है क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स ने अलाउ किया कि वो अपने ड्रीम्स पूरे कर सके। प्लाविता एक सिंगर है, कंपोज़र है, एक एक्ट्रेस हैं, और हमको लगता है कि ये नज़रिए की बात है। बट आई मस्ट ऐड कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आजकल क्या होता है कि पहले ये था कि गर्ल्स को दी रूनी वॉन्ट टू मेक श्योर दे कम्प्लीट द एजुकेशन, तो अब ये डेफिनेटली हो गया है कि अमंगस्ट मोस्ट फैमिलीज दैट ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लें। बट अगर आप नंबर्स देखेंगे किसी भी फील्ड में आप ले लो, हाउ मनी वुमेन हैव कम्प्लीटेड द लॉ डिग्रीज और दे MBA डिग्रीज और दे मेडिकल डिग्रीज और इवन हैव गॉन टू फिल्म स्कूल, देन यू सी सो दैट्स अ पर्टिकुलर नंबर, देन यू एक्चुअली गो इन टू द फील्ड एंड यू सी द नंबर ऑफ वुमेन हु आर एक्चुअली परस्यूइंग देयर करियर्स, देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी। So while nowadays I feel many women they get educated, but still I feel that thing is there, that they feel that their destination is somehow in their mind they're still feeling like the main goal of their life is to get married. And I feel that it's really high time this changes, and I feel women really should be encouraged. And then we again keep blaming the girl because we're like, oh, she didn't want to pursue it, but she didn't want to pursue it because she's been conditioned around her to imagine that that is the most important thing, which is why she will give up her profession. So even if she's a lawyer, so she might end up marrying a lawyer, but eventually might have to sit at home, especially after she's had a child, and not go back to work, while her husband will keep growing. And this is true in every single sector. And it is really shocking that in 2017, if you see the statistics in any field, I feel we are very far from breaking the glass ceiling. So I'm really glad you brought up this point. And I think as women, we should keep talking about it, that why, at least the good thing is that many more women are getting educated, but should or should they not be encouraged to pursue what they are doing rather than being made to feel ki ghar grihasthi karo, it's all good. Also they say it also na ki haan yaar tumhe padh likh kar to matlab nahi padhne, you have to get married to some rich guy only. नहीं, ऑल्सो अनदर थिंग इज ऐसा भी बहुत, बिकॉज यू सेड चूल्हा चौका, आई रिमेंबर दिस कि सो मेनी वुमेन आर आउट ऑफ द वुमेन, फ्यू वुमेन हु आर एक्चुअली वर्किंग, देर सो मेनी मोस्ट ऑफ द फैमिलीज द मेन एंड वुमेन बोथ आर वर्किंग, बट तुम बाहर जाके काम करो, फैमिली के लिए पैसे तुम इकट्ठा करो, फिर अंदर घर आके सारा काम तुम ही करो। So you know, then what's the whole point? If you, it's not about what's the whole point, but it's about how much can you ask one person to do? Because घर आके the man will nicely sit and watch TV while the woman does खाना बनाओ, सब कुछ करो, बाहर भी काम करो। So I think
इनफैक्ट इन द लोकल ट्रेन्स यू सी सो मेनी वुमेन कि वो बैठ के बेचारी सब्जियां छील रही होती हैं. हां सो इट्स बेसिकली एंड इट टॉक्स लाइक कि घर जाती है ये बनाना है ये वो बनाना. या बट बिकॉज़ इट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज़ द हस्बैंड डोंट नो सिट एंड कुक ना वो थोड़ा बैठ के गवार की फली काटेगा. They should, yeah. They should, yeah. We should work towards that kind of. I think this whole conditioning of, you know, this whole division conditioning of labor, yeah. Ki, haan, shaadi karke toh, like, I have to find like a rich guy and like get married and settle down. Like that conditioning should stop. Yeah. Thank you. Thank you.